उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और वादों को जनता समझ चुकी है, कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों पर जनता का पूरा समर्थन है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कहा कि कांग्रेस के सवालों पर कांग्रेस जहां जीतती है वहां पर कोई सवाल नहीं उठती। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, जब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई, तो अब कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से कहेगी कि जब तक ईवीएम को लेकर शंका दूर ना हो जाए तब तक वह शपथ ग्रहण न करे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। काश कांग्रेस कश्मीर में बोल देती और उमर अब्दुल्ला से पूछती कि उमर अब्दुल्ला तब तक शपथ न ले जब तक ईवीएम की जो उनकी मन की शंका दूर ना हो जाए। ये कहने की बातें हैं। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अभी बद्रीनाथ जीते, मंगलौर जीते, ईवीएम ठीक है। तो ये भैया कांग्रेस जो है हार को पचाने की कुबत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार की भ्रांतियाँ कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश के अंदर स्थापित है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जितना जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगी, मोदी जी के प्रति आग उगलने काम करेगी, भारत के समाज को बांटने का काम करेगी, कांग्रेस इसी प्रकार हर जगह चारों खाने चित होगी।